खबर पाली से है, जहां बढ़ते आपराधिक मामलों को रोकने के लिए पुलिस ने हार्डकोर अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने और फायरिंग के मामले में कुख्यात बदमाश नाथूराम पिंडेल ने पुलिस के दबाव को देखते हुए एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। बाद दोपहर की जो राकेश चिमनाराम है उसका ट्रैक्टर था, वो ये जो नाथूराम एंड उसके जो साथी थे वो उसको लूट के ले गए थे। और उसी लूट के दौरान ये जब लूट के भाग रहे थे तो उसी दौरान इसका एक जो साथी था वो भी घायल हुआ था। उस पर हमारे यहाँ जेताड़ में मुकदमा दर्ज हुआ जिसका अनुसंधान अब जारी।